Good evening, friends. Today we are going to discuss the biography of Stephen Spender. He was a British writer, essayist, and critic. When we talk about his lifespan, he was born on 28 February 1909 and died on 16 July 1995. And friends, in 1995, we all know that Seamus Heaney got Nobel Prize, who translated Beowulf in English. Besides it, when we talk about other important points, he got married twice, and he is a British writer. We have already talked about it. He was born in Kennington, London, England. Sir Stephen Spender's full name is Sir Stephen Harold Spender, CBE. Lifespan we have already discussed, 28 February 1909 to 16 July 1995. Was an English poet, novelist, and essayist whose work concentrated on the themes of his works, social justice and class struggle. This is the important point. The theme of Stephen Spender's works: सोशल जस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल. इनके जो वर्क्स की थीम होती है वो क्या रहती है? सोशल जस्टिस और क्लास स्ट्रगल, यानी कि सामाजिक न्याय और वर्ग संघर्ष बोल सकते हैं, क्लास स्ट्रगल. सेकंड पॉइंट वी हैव हियर फ्रेंड्स, ही वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट के बारे में बात करें तो इनको एक पोएट लॉरेट भी अपॉइंट किया गया. कंसल्टेंट इन पोएट्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1965. तो पोएट लॉरेट कब बने थे? 1965 में, यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी कांग्रेस करके, आप इसको याद रख सकते हैं. पोएट लॉरेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स और मैं बता दूँ. कुछ जो पोएट लॉरेट्स रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट जॉन ड्राइडन 1668. फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट. अनऑफिशियल पोएट लॉरेट 1616, बेन जॉनसन. कौन से पीरियड में? जैकोबियन पीरियड में. 1668 रेस्टोरेशन पीरियड, एज ऑफ ड्राइडन. इसके अतिरिक्त बात करें 1813 में रॉबर्ट साउदी करके. 1843 में बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ, 1843 टू 1850. देन 1852-1892 ये कौन बने थे? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी कहे जाते हैं. तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए पोएट लॉरेट कौन बने थे? तो टेनिसन. तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पोएट लॉरेट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्टीफन स्पेंडर वॉज अवार्डेड द गोल्डन पेन अवार्ड. इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. गोल्डन पेन अवार्ड इन 1995 कब मिला था? गोल्डन पेन अवार्ड 1995 में. स्पेंडर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड क्रिटिक हु वॉज एजुकेटेड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड. तो यहाँ से एजुकेटेड थे, ठीक है. एट ऑक्सफोर्ड ही बिकेम फ्रेंडली विद पोएट्स लाइक, अब इनके साथ इनकी फ्रेंडशिप हुई तो सिसिल डी लेविस, डब्ल्यू एच ऑर्डन, लुइस मैकनिस. आपने सुना होगा 1930s का जो पोएट्स का ग्रुप था जिसको क्या बोला जाता है? मैक स्पॉन्डे. तो इसमें फ्रेंड्स मैक स्पॉन्डे में मैक से मैकनिस होगी, लुइस मैकनिस. स्पॉन्डे स्पॉ से हो गए स्पेंडर, और स्पॉन ऑन से ऑर्डन हो गए, और मैक स्पॉन्डे डे से सिसिल डी लेविस. तो ये इनके फ्रेंड्स का ग्रुप था मैक स्पॉन्डे करके, लेफ्टिस्ट भी बोला जाता है इसको. और बात करें दी फोर ऑफ देम अलोंग विद दी नोवेलिस्ट एंड प्ले राइट क्रिस्टोफर इसरवुड फॉर्म्ड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप लेफ्ट विंग राइटर्स इन 1930s, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसी को क्या बोला जाता है? लेफ्टिस्ट या ऑक्सफोर्ड पोएट्स, समटाइम इट इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड पोएट्स भी कहा जाता है उसका ग्रुप इसको. स्पेंडर मीन्स, स्पेंडर इज अ नाउन. व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर, स्पेंडर क्या है? नाउन है. एंड
द मीनिंग ऑफ स्पेंडर अ पर्सन हु स्पेंड्स, जो खर्च करता है वो क्या कहलाता है, स्पेंडर। बट यहाँ पे तो स्टीफन स्पेंडर इनका नेम है, इससे रिलेटेड अगर हम कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे जानने की कोशिश करें ग्रामेटिकली या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो ये पॉइंट भी बन सकता है। नेक्स्ट द टाइटल ऑफ स्पेंडर्स ऑटोबायोग्राफी, स्पेंडर की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका टाइटल क्या था, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड 1951 करके आपको यहाँ पे दिया है पब्लिकेशन का। स्पेंडर बिगिन वर्क ऑन अ नोवेल इन 1929, स्पेंडर ने कब से स्टार्ट किया नोवेल्स लिखना, 1929 से, विच वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1988। तो ये 1929 में तो इन्होंने लिख दिया ये, लेकिन 1988 तक पब्लिश नहीं हुआ था, 1988 में पब्लिश हुआ अंडर द टाइटल द टेम्पल, टेम्पल करके, ठीक है। इसके अलावा जॉर्ज हर्बर्ट का भी है पोएट्री कलेक्शन है 1833, अगर मैं सॉरी यहाँ पे 1988 की बात हो रही है तो जॉर्ज हर्बर्ट का भी था, जॉर्ज हर्बर्ट का आप बताएंगे 1833 नहीं है, मे बी यहाँ पे 1633 है शायद, आप इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा 1633 है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इस पॉइंट को आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। तो टेम्पल करके उनका भी है पोएट्री कलेक्शन। हिज बेस्ट फ्रेंड, उनके बेस्ट फ्रेंड कौन थे, अब बात करें तो डब्ल्यू एच ऑर्डन इनके बेस्ट फ्रेंड थे स्टीफन स्पेंडर के। ही वॉज अवार्डेड द क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री इन 1971। क्वींस गोल्ड मॉडल मेडल कब मिला इनको, 1971 में, एंड वॉज नाइटेड इन 1983, और इनको उपाधि इसकी यानी कि कब मिली, नाइटेड इन 1983। इनके वर्क्स की बात करें तो वर्क्स में इनके नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज आप देख सकते हैं कलेक्शंस, बर्निंग कैक्टस करके है 1936 में स्टोरीज, द बैकवर्ड सन 1940, इसके अलावा इंगेज्ड इन राइटिंग 1958, द टेम्पल रिटन इन 1929 पब्लिश्ड इन 1988। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, ट्रेवल्स ट्रेवल बुक्स एंड एसेज, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स 1935, लाइफ एंड द पोएट 1942, और द गॉड दैट फेल्ड, ये इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, ये याद रख सकते हैं आप 1949 में, इट इज़ एन एंटी कम्युनिस्ट कलेक्शन ऑफ एसेज। नेक्स्ट क्रिएटिव एलिमेंट 1953, द मेकिंग ऑफ अ पोएम, देन नेक्स्ट द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, ये इम्पोर्टेंट वर्क है 1963 में। इसके अलावा लव हेट रिलेशंस, लव हेट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आप बताएंगे, क्योंकि टू अपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ऑक्सीमोरोन करके है, इससे रिलेटेड फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड वीडियोज आप देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी 4-5 वीडियोज बना रखे हैं एक से बढ़कर एक, आपको वहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि लव हेट दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। लव हेट रिलेशंस 1974, डब्ल्यू एच ऑर्डन अ ट्रिब्यूट एडिटेड बाई स्पेंडर 1975 में एडिट किया गया, किसके द्वारा, स्पेंडर के द्वारा, डब्ल्यू एच ऑर्डन अ ट्रिब्यूट करके। नेक्स्ट पॉइंट द थर्टीज एंड आफ्टर, द थर्टीज एंड आफ्टर करके 1978, इट इज़ अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ टी एस एलियट। नेक्स्ट सी बी, जो स्टीफन स्पेंडर के नाम में सी बी आपको देखने को मिला, उसका मतलब होता है ही वॉज मेड ऑफ कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सी बी एट द 1962 क्वींस बर्थडे ऑनर्स, ये आपको इसका सी बी का मतलब है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट इनके वर्क की बात करें, इन्होंने लिखा था लेटर्स टू क्रिस्टोफर इसरवुड 1980 करके। द टेम्पल से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लें तो इट वाज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू अ बिल्डिंग्स रोमन, बिल्डिंग्स रोमन किसे बोला जाता है, इनर ग्रोथ ऑफ प्रोटेगनिस्ट, यानी कि जो प्रोटेगनिस्ट होता है उसकी इनर ग्रोथ को ही बिल्डिंग्स रोमा बोला जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंड इन जर्मनी विद इसरवुड एंड ऑर्डन, और ये किस पे आधारित है, जो टाइम इन्होंने स्पेंड किया था जर्मनी में इसरवुड और ऑर्डन के साथ। ड्रामा में इनके क्या क्या हैं, ट्रायल ऑफ अ जज 1938, और इसके अलावा ओडिपस ट्रिलॉजी 1985। पोम्स की बात करें, पोम्स में इनकी हैं नाइन एंटरटेनमेंट 1928, 20 पोम्स 1930, स्टिल सेंटर 1939, रिविन्स एंड विजन्स 1942,
कलेक्टेड पोएम्स 1985, पोएम्स 1930, वियना 1934। नेक्स्ट पोएम है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको 1946 में। द एज ऑफ बींग भी इंपॉर्टेंट है 1949। द एक्सप्रेस 1966, डॉल्फिन्स 1994, यानी कि जब इनकी डेथ हुई थी 1995 में, उससे एक साल पहले। स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइवेटली क्या था, प्रिंटेड 1943। नेक्स्ट, स्टीवन सेड एट वेरियस टाइम्स थ्रू आउट हिज लाइफ दैट ही नेवर पास्ड एनी एग्जाम, किसी एग्जाम को उन्होंने पास नहीं किया, उनका कहना था। परहैप्स हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड जो थे, एंड द मैन हु हैड द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिम, जिनका उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, वॉज डब्ल्यू एच ऑर्डन। वो कौन थे? डब्ल्यू एच ऑर्डन, वो इंट्रोड्यूस्ड हिम, जिन्होंने उनको इंट्रोड्यूस कराया, किसके साथ? क्रिस्टोफर एसलवुड के साथ। स्टीफन स्पेंडर हैंड प्रिंटेड द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द ऑर्डन्स पोएम, ऑर्डन्स की जो पोएम थी उनका अर्लीस्ट जो वर्जन था उसको क्या किया, उन्होंने हैंड प्रिंटेड किया था। स्टीफन स्पेंडर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन में प्रोफेसर भी रहे फ्रॉम 1970 to 1977, और 1971 में इनको प्राइज भी मिला था, आपने देखा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, द टर्म पाइलन पोएट्स रेफर्स टू द पाइलन्स अ पोएम बाय स्पेंडर दैट मैनी क्रिटिक्स डिस्क्राइब, जिसको कई क्रिटिक्स ने, आलोचकों ने क्या किया, डिस्क्राइब किया एज टिपिकल, एक टिपिकल किसके रूप में, ऑफ द ऑर्डेंस जनरेशन के रूप में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, एटलीस्ट फ्रेंड्स लाइक, आप जो है 100 लाइक्स का तो टारगेट आप फिक्स करिए, क्योंकि एक व्यक्ति अगर दो लोगों को शेयर करता है तो ऐसे लगा लीजिएगा 100 यहाँ पे व्यूअर्स होते हैं तो कितने को शेयर कर लेंगे, तो कम से कम आप दो लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, तो इतना तो आपको फ़र्ज बनता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, फिर से वही चीज़ कहना चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।